चलिए सबसे पहले चीज, आनुवांशिक लक्षण क्लियर है क्या होते हैं? आपको ये क्लियर हो चुका है कि भाई आनुवांशिक लक्षण तो हमें पता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या कि भाई आखिर अगर हम बात करें कि यहां पर मेंडल के मटर के पौधे की, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको बहुत अच्छे से कर लें कि मटर का पौधा क्यों चुना। मटर का आपको पता होना चाहिए बोटेनिकल नेम, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है। ठीक है, अब आपको जैसे कि पता है कि मेंडल जो थे, मेंडल ने क्या नियम दिए थे बेटा, तीन नियम दिए थे। ठीक है, तीन नियम देते, उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करके क्या दिया बच्चा, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने तीन नियम दिए थे। वो तीनों नियमों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखो कि आपने जब ये पढ़ा था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, उस समय आपको दो लक्षण पता लगे होंगे। कौन कौन से पता लगे होंगे अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां पे दो पॉइंट आ जाते हैं, एक आता आपका प्रभावी लक्षण वाला, एक आता आपका अप्रभावी लक्षण। कौन कौन सा बेटा? प्रभावी लक्षण, और एक होता है आपका अप्रभावी लक्षण। मैं अगर आपसे पूछ रही हूं बेटा कितने बच्चों को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे फटाफट से बताएं। प्रभावी लक्षण की अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, क्या ये आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं? एक बार रिवाइज करेंगे इसको, और इस चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट लगती हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हम कैसे बनाकर लिखेंगे, हमें समझ नहीं आता। तो मैं सिंपल बता दूं, टॉपिक को अगर आप बेटा ध्यान से समझ रहे हो तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको कैसे लिखो, कुछ भी लैंग्वेज यूज करो, नहीं। आप लिखते वक्त आपको आपकी जो भाषा है बेटा वो ध्यान रखनी है, यानी कि आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है, क्या आपने सही वर्ड का चुनाव किया है या नहीं किया। ठीक है, एक बार इसको समझेंगे वापस से, प्रभावी और अप्रभावी। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया हुआ है। कैसे समझाया हुआ है? बहुत सिंपल तरीके से, कि मैंने बोला कि दो तरीके के इंसान होते हैं, एक बहुत कमजोर हो जाता है और एक बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है ना। दो तरीके से इंसान होते हैं, एक बहुत कमजोर है और एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो ये कुछ ऐसे ही है। ये मान लो कि जो ये प्रभावी लक्षण होते हैं, ये कैसे हो जाते हैं, ये जो प्रभावी लक्षण होते हैं ये बहुत ताकतवर है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि फिर कमजोर कौन है, तो ये जो अप्रभावी लक्षण होता है ये बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। यानी कि अगर हम इसको साइंस के लैंग्वेज में बात करें, कि विज्ञान की भाषा में, कि मैम इनको आखिर हम बताएं कैसे, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब मेंडल ने मटर का पौधा उन्होंने चूज किया था, तो वो सिर्फ कुछ ही लक्षणों की वजह से नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लक्षण मिल चुके थे, और सात जोड़ी उन्हें ऐसे लक्षण मिले जो किसी और पौधे में मिले ही नहीं थे, जिसमें से कुछ अप्रभावी लक्षण थे और कुछ प्रभावी लक्षण थे। तो वहां पे हमने देखा था कि कुछ गोल था तो झुर्रीदार था, है ना, लंबापन था तो वहां पे बोनापन भी था, ये सब चीजें थी। इसी तरीके से जो यहाँ पे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं बेटा किसकी, हाँ जी प्रभावी की, तो प्रभावी कौन होते हैं? जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, यानी कि प्रभावी वो है जो अपने आप को प्रकट कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो प्रभावी क्या कर पाते हैं? अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, जबकि बेटा अप्रभावी कौन होते हैं? अप्रभावी वो होते हैं जो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। क्लियर, जो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। और ये ना, अभी जब मैं आपको मेंडल के नियम पढ़ाऊंगी ना बेटा, आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आखिर क्यों ये चीज बोली गई है। ठीक है, चलिए बड़े फिर आगे की तरफ आ जाइए। जैसे मैंने बोला था डेफिनेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि मैम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो उन्हीं की हेल्प के लिए समझा मैंने पूरा दिया है, लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, इसमें भी बेटा मैं आपको क्या कर रही हूँ, सारी की सारी चीजें आपको समझा रही हूँ, है ना। तो वैसे ही अब याद रखिएगा, डेफिनेशन लिखवाऊंगी, ये सिर्फ आपको अपनी कॉपी पे इनको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं और यहां पे जानते हैं क्या कि मेंडल के नियम। तो मेंडल ने किया एक्सपेरिमेंट और दिए बेटा कितने नियम, तीन नियम, और मैं पहले बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां से
ये लॉन्ग क्वेश्चन सीधा निकलता है, यूपी बोर्ड की बात करूं 7 नंबर में, अदर बोर्ड की बात करूं तो 5 नंबर में आता है। और यहीं से वो क्या करते हैं, इनका क्वेश्चन पूछने का तरीका पहले मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, अगर उनको क्वेश्चन पूछना है तो या तो वो सीधा पूछेंगे मेंडल के तीनों नियमों को एग्जाम्पल के साथ यानी कि उदाहरण के साथ बताओ, या फिर वो क्या करते हैं बच्चा कि कोई दो नियम दे देंगे, है ना, कोई भी दो नियम दे देंगे। कैसे, कि आपका प्रभाविता का नियम है और वी संयोजन के नियम को उदाहरण करके बताओ क्या डिफरेंस था दोनों में, क्या क्या चीजें थी, तो इस तरीके से पूछेंगे। तो नियम समझाऊंगी मैं, डेफिनेशन बता दूंगी कैसे लिखनी है, लेकिन किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है वो आप देखेंगे, ठीक है, क्लियर। एंड डोंट वरी, जब एग्जाम टाइम आएगा तो मैं आपको सब चीज सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर ये आदत बनानी होगी लिखने की, ठीक है। चलिए, मेंडल के नियम, तीन नियम दिए बेटा। नंबर वन जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम, ठीक है। पहला नियम कौन सा था, प्रभाविता का नियम। नंबर दूसरे की बात करते हैं, दूसरा जो था बेटा ये वी संयोजन का नियम था, ठीक है। कौन सा, वी संयोजन का नियम, क्लियर। एंड नंबर थर्ड, स्वतंत्र अपव्यून का नियम, ठीक है, क्लियर है। तीन नियम थे। अब एक पॉइंट याद रखना है, जो दूसरा वाला नियम है उसके बेटा पता है कितने नाम थे, तीन नाम थे। पहला वी संयोजन का नियम, इसी का दूसरा जो नाम है वो है युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। किसकी, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इसी को हम लोग पृथक्करण के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए लिख दें यहां पे, इसी की साइड में लिख देते हैं, क्लियर है, ओके है बच्चा। तो मेंडल के तीन नियम थे कौन कौन से, नंबर वन आपका प्रभाविता का नियम हो जाता है, सेकेंड नंबर पे वी संयोजन का नियम जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और साथ साथ पृथक्करण का नियम भी कह देते हैं, और तीसरा नियम था बेटा कौन सा वाला, आपके स्वतंत्र अपव्यून वाला नियम, ओके है, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए ये चीज क्लियर, अब हम इनको ना एक एक करके जानेंगे कि क्या था। अब मैंने आपसे बोला था कि जब हम भाई जानते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा चुना क्यों, क्योंकि उन्हें 7 जोड़ी ऐसे लक्षण मिल चुके थे। अब वो जो बेटा वहां पे 7 जोड़ी ऐसे लक्षण मिले थे ना, वहां पे जब मैंने बोला था कि ये पता होने चाहिए सभी को कि बेटा प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, तो वो यहां पे काम आएंगे। अब जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर में मेरी बात ध्यान से सुनी और रिवीजन किया, वो तो ये बोलेंगे यस मैम बहुत अच्छे समझ आया, यस मैम पता, उनको पता होगा कि जो चीजें हैं वो कैसे चल रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं उन बच्चों की बात कर रही हूं कि जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, ध्यान से मेरी बात को भी नहीं सुना, तो उनको बहुत दिक्कत आने वाली है, उनको ये लगेगा कि अरे ये क्या चल रहा है मैम, है ना। तो अब जो आने वाले ना कमेंट में जो बोलेंगे कि मैम बहुत अच्छे समझ आए, यानी कि वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्लास में साथ साथ, लास्ट लेक्चर उन्होंने देखा है और उसके बाद उन्होंने उन लक्षणों को ही पढ़ा था, लेकिन जो बोलेंगे समझ नहीं आया या मैम ये क्या है, समझ जाऊंगी कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बेटा अगर टॉप करना है, टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है, तो आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो यहां पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से, प्रभाविता के नियम से, ठीक है। सबसे पहला प्रभाविता। अच्छा प्रभाविता का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि प्रभाविता का क्या मतलब है बताओ, क्या मतलब होता है। देखो बेटा प्रभावी का मतलब होता है यानी किसी चीज पे हावी होना, यानी कि वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है, बहुत ध्यान समझना है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो हावी होता है किस पर, अप्रभावी लक्षण पर। बेटा आज की आपको पूरी के पूरी क्लास में ना, आपको पूरे के पूरे जो नियम है एक ही क्लास में पूरे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। चलिए तो प्रभावी लक्षण किस पे बेटा, अप्रभावी लक्षण पे क्या होता है, हावी होता है, यानी कि ये प्रभावी लक्षण इस अप्रभावी लक्षण को प्रकट होने ही नहीं देता है, ठीक है बेटा। तो कैसे,
लेकिन हमें पता कैसे लगा? तो यहीं पे एग्जाम्पल लिया गया था, कौन सा लिख लीजिए, उदाहरण। कैसे पता लगा कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी पे हावी है? तो यही पे जो पता लगा था हमें, वो पता लगा कैसे, उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण। क्लियर है बच्चा इतनी चीज? अब कैसे संकरण कराया, क्रॉस कैसे कराया, तो किसके लिए हम क्या चीज लेंगे, ये चीज हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके है, चलिए। तो सबसे पहली चीज, जैसे यहां पे था प्रभावी लक्षण, यहां पे था बेटा अप्रभावी। अब हमने क्या बोला कि भाई जो एक जोड़ा था, जैसे मेंडल ने कितने 7 जोड़े लिए थे, 7 जोड़े में, एक जोड़े में कितने होते हैं 2, जिसमें से एक प्रभावी होता है एक अप्रभावी होता है ना। अब यही पे इन्होंने बेटा जो लिया था शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे का, लंबापन कैसा लक्षण अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा लंबापन जो होता है ये आपका प्रभावी लक्षण होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं बेटा बोने वाले पौधे की, ठीक है, तो बोना पौधा जो होता है बेटा वो तो अप्रभावी लक्षण होता है, है ना। एंड मैंने ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से बताई है कि हम प्रभावी और अप्रभावी को कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ शुद्ध और अशुद्ध को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से क्या बोला है, लंबापन, लंबेपन के लिए हम क्या लेंगे बेटा, प्रभावी लक्षण है तो हम लंबेपन के लिए लेंगे कैपिटल टी, ठीक। और कैसा उन्होंने बोला है कि भाई वो शुद्ध है, है ना, क्या बोला है कि वो जो है वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब ये हो जाता है कि दोनों ही हम क्या लेंगे, कैपिटल टी, क्लियर। तो ये क्या है, ये जो है हमारा शुद्ध लंबा, ओके, क्लियर है बहुत अच्छे से। अब वहीं पे एक था आपका शुद्ध बोना, ठीक। अब ये कैसा लक्षण है, ये तो भाई अप्रभावी लक्षण है, है ना। कैसा लक्षण है बेटा, अप्रभावी, यानी कि हमने इसी के साथ जो लिया था वो कैपिटल टी लिया। तो मैंने बोला जब आप उसका अप्रभावी लक्षण को लेते हैं तो आप कोई नया लेटर नहीं लेंगे, जो कैपिटल लेटर आपने शुद्ध लंबेपन के लिए कैपिटल टी लिया है तो शुद्ध बोने के लिए आप इसी का स्मॉल लेटर चूज करते हैं, यानी कि स्मॉल टी। और शुद्ध बोना है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही आपके स्मॉल टी हो जाएंगे, क्लियर है। बहुत अच्छे से चीज क्लियर इतनी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये कैपिटल टी क्या है, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी क्या है। अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, अब हम क्रॉस कराएंगे, कैसे, आ जाइए। तो क्या हुआ कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराया, यानी कि कैपिटल टी, क्रॉस के लिए आप ये यहाँ पे साइन यूज करते हैं बेटा, एंड स्मॉल टी, ओके, क्लियर है। अब ये क्या है, ये तो पेरेंट है बेटा, यहां से क्या निकल कर आएंगे, यहां से निकल कर आएंगे युग्मक, ठीक है। ये रहा आपका कैपिटल टी, यहां से भी कैपिटल टी, और इधर से क्या है, ये है आपका स्मॉल टी, और ये भी आपका स्मॉल टी। बहुत अच्छे से क्लियर है, यस सुनो, जल्दी से बोलेंगे तेजी के साथ, क्लियर। चलिए अब यहां पे हुआ क्या, अब यहां पे ये बात हुई कि जब यहां पे हुआ क्रॉस, अभी तक क्रॉस नहीं था, ये थे हमारे जनक, ये थे युग्मक, है ना। अब यहां पे हम बनाएंगे एक चेकर बोर्ड, ये इस तरीके से हम बॉक्स बनाते हैं बेटा, इसको चेकर बोर्ड बोल देते हैं, ठीक। लिख दो कैपिटल टी, कैपिटल टी, उस तरफ क्या है स्मॉल टी, स्मॉल टी। आज की क्लास में कोई बातें नहीं करेगा, जिसने बातें करी सर के ऊपर से टॉपिक गया, इतना लंबा। फिर बाद में बोलोगे मैम रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, प्लीज एक बार समझा दो, है ना, तो वो चीज ना हो, समझ लो ध्यान से। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस वाले कैपिटल टी की इसकी हम इससे भी क्रॉस कराएंगे और इसकी हम इससे भी क्रॉस कराएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाले की हम इससे क्रॉस कराएंगे एक बार, देन इसको इससे, ठीक, और सेम नीचे वाले का ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल टी की अगर आप स्मॉल टी से कराते हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड सेम आप इसकी भी करा दो, अब इसकी भी हमने इससे कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी,
और याद रखना, अगर आप स्मॉल वाले को पहले लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो हमें गलत तो करना नहीं है, है ना। आपको बेटा मैं सारे के सारे रूल साथ बताती हुई चल रही हूँ, तो वैसे ही आपको करना है, ठीक है। ये हमने किया था इस तरीके से, यहां से हम लोगों ने इन युग्मकों को ले लिया था, ठीक। और लेटर्स को बहुत ध्यान से बनाना है, अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी, ठीक है। इतनी चीज अच्छे से क्लियर हो गई और इतनी स्पीड के साथ ही आप लोगों को बनाने आने चाहिए। यहां पे हमने कैपिटल टी को लिखा था, यहां पे हमने स्मॉल टी को लिखा था, कैपिटल टी के स्मॉल टी से करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, इसके इससे करा दोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, नीचे वाले की करा दो बेटा इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इसकी इससे करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके है, क्लियर है बच्चा। चलिए तो ये यहां पे आप क्या देख रहे हो कि चारों में ही क्या है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये जो हमारी पीढ़ी है बेटा, ये है फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 पीढ़ी, ठीक है, क्लियर है बच्चा। ये कौन सी है, F1 पीढ़ी है। अब आपने यहां पे एक चीज नोटिस करी कि चारों में ही क्या आया था, चारों में ही बेटा आपका निकल कर आया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहां पे ये क्या है, कैपिटल टी प्रभावी और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। अब ये दोनों साथ में, अब बात आई यहां पे कि मैम लक्षण क्या लिखेंगे, क्या वहां लंबा लिखेंगे, क्या वहां पे बोनापन लिखेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए, एक कैपिटल और एक आपका स्मॉल, यानी कि एक प्रभावी और अप्रभावी जब साथ में होते हैं तो हमारा वो लक्षण कैसा होगा, क्या ये शुद्ध है बेटा, अब नहीं, अब ये है आपका अशुद्ध, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पे मैंने क्या बोला था कि प्रभावी लक्षण क्या कहता है, कि प्रभाव आपका अप्रभाविता का नियम क्या कहता है, कि प्रभावी लक्षण हावी है अप्रभावी पे, तो क्या लिखेंगे कि प्रभावी, जब प्रभावी और अप्रभावी बेटा साथ में होते हैं तो प्रभावी लक्षण लिखा जाता है, याद रखिएगा। आप अप्रभावी लक्षण को नहीं लिखेंगे, यानी कि अशुद्ध लंबे, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में हमें सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, बिल्कुल बेटा सभी पौधे हमें या तो आप ये बोलेंगे कि अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, ठीक है, या आप बोलेंगे कि सभी समान लंबे प्राप्त हुए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बेटा यहां तक, ठीक। तो ये था आपका प्रभाविता का नियम। अब एक चीज और मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि आप बाबर देख रहे हैं कि ये डायग्राम यहां पर आ रहा है, तो नॉर्मली जब हम संकरण कराते हैं कि बेटा हम यहाँ पे क्रॉस कराते हैं तो ये चेकरबोर्ड बना के आसानी हो जाती है ना। वहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। कोई कोई क्या करता है, इस तरीके से कर देता है कि भाई इसको इससे, बड़ी थोड़ा ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, एंड एग्जाम में बच्चे लाइन्स वगैरह थोड़ी टेढ़ी खींच देते तो वो बहुत ऑड लगता है, अजीब सा लगता है, तो आप बेटर रहेगा ये इस तरीके से बनाए, ठीक है। चलिए तो जिसको वैसे मैं एक चीज और बोल दूं, जिसको ये आसान लग रहा है वो ये अपना ले तरीका, ओके। तो F1 पीढ़ी में सभी अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, क्लियर इतनी चीज। अब यहीं पर पहला नियम तो ये हो गया, पहले नियम में हमें क्या मिले, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आगे बढ़ेंगे यहां पर और इसके डेफिनेशन को एक बार देख लेंगे, तो बेटा ये इसके डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर ले, आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बच्चों को डेफिनेशन लिखनी नहीं आती है एंड टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है मेंडल के नियम का, इसीलिए एक बार इसको फटाफट से नोट डाउन हो गया। चलिए अब यहीं पर हमने देखा पहली पीढ़ी में हमें क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। अब इसी को हम कहां ले जाएंगे, F2 में, और वही क्या है आपका दूसरा नियम है, यानी कि वी संयोजन का नियम, जिसको हम लोग युग्मक की शुद्धता का नियम अथवा पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि प्रत्येक युग्मक ठीक है अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, इस नियम में, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो युग्मक की शुद्धता क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पे जो प्रत्येक युग्मक होता है वो अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा, बिल्कुल अच्छे से,
चलिए अब यहीं पे आगे बढ़ेंगे इसमें कि इसको कैसे करना है, है ना। तो पहले वाले नियम की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था, ये आया था। अब हम जो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसी को हम कहां ले जाएंगे, एफ टू पी डी में, ठीक है। ये आया यहां पे, मैंने क्या बोला था, ये कौन सी पीढ़ी, एफ वन। अब हम कहां जा रहे हैं, एफ टू में। और याद रखना एक चीज, क्या चीज याद रखनी है, कि मेंडल का पहला और जो दूसरा नियम है वो एकल संकरण क्रॉस पर आधारित है, ठीक है। लिख लो इसको कहीं पे, क्लियर। जबकि बेटा जो तीसरा नियम होता है ये द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है, ठीक है। एकल संकरण का मतलब क्या होता है कि एक जोड़े लिया गया था, जैसे लंबा बोना एक जोड़ा है ना, तो ये जो है एकल संकरण बने, जबकि द्विसंकरण का मतलब होता है कि दो जोड़े लिए जाएंगे, वो आपको अभी पता लगेगा कैसे, ओके। चलिए तो आ जाइए फिर फटाफट से, पहला हो गया, यहीं से हम इसको कहां ले गए, F2 में ले गए। अब जब हम इसको F2 में लेकर जाएंगे तो यहां पे क्या होगा कि भाई T1, इसको क्रॉस किससे कराओगे, स्वपरागणित हो रहा भाई, सिंपल सी बात है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। अब यहां पे ये क्या है, यहां पे क्या होगा, स्वपरागण, तो यहां से क्या युग्मक निकल कर आए हैं, कैपिटल टी आ गया आपका एक, और एक आ गया आपका स्मॉल टी, क्लियर। सेम वहीं से आएंगे, हां जी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी सेम यहीं से निकल कर आया। अब यहां पे जब आप करेंगे तो क्या बनाएंगे, यहां पर आप बनाएंगे वापस से अपना चेकर बोर्ड, ठीक है। चलिए फिर बना लीजिए फटाफट से, ये इस तरीके से बोर्ड बनेगा आपका, एंड जो युग्मक है लिख दीजिए फटाफट से, ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, सेम बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके है। अब कैपिटल टी की अगर कैपिटल टी से हम लोग कराते हैं तो क्या हो जाता है, कैपिटल टी, ठीक, कैपिटल टी की बेटा स्मॉल टी से कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेम बेटा नीचे इधर, यानी कि कैपिटल टी के स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी के स्मॉल टी से तो दोनों ही स्मॉल टी, ठीक है। अब जो आए हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अलग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे लिख दीजिए एफ टू पीढ़ी, यानी कि ये दूसरी पीढ़ी है, ठीक है, क्लियर है, ओके है। चलिए अब इनको हम क्या करेंगे, इस तरफ लिख देते हैं, तो बीच में जो यहां पे थोड़े से लाइंस वगैरह ये हैं इसको हटा देती हूं। चलो पहला क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है, ये कितने हैं बेटा, एक ही है, इसके जैसा कोई और तो नहीं है, तो लिख दीजिए कितना है बेटा, एक, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी कितने दिख रहा है आपको, क्या ये एक ही दिख रहा है, नहीं भाई, एक ये रहा और एक ये, यानी कि दो हो गए ये दो, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कितने हैं, ये भी दो हैं, ओके, एंड लास्ट बचा है दोनों ही वहां पे क्या है बेटा, स्मॉल टी, और वो कितना है, एक, तो यहां पे लिख लीजिए स्मॉल टी स्मॉल टी, हमने सारे लिख लिए और ये था हमारे पास एक, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। अब यहां पर क्या किया जाएगा, अब यहां पर आप देख रहे हो दोनों कैपिटल टी है, ठीक है, यानी कि दोनों सेम है, कैसे है, शुद्ध है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका शुद्ध, ठीक है, और कैपिटल टी किसके लिए होता है, लंबे पन के लिए, यानी कि ये क्या क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा, ओके। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी वहां पे दिया हुआ है, तो ये क्या है, सबसे पहले चीज अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि एक प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण है, अशुद्ध, और हमें पता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी साथ में होते हैं तो हम प्रभावी लक्षण को लिखेंगे, यानी कि अशुद्ध लंबा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है भाई दोनों स्मॉल टी हैं, अब दोनों स्मॉल टी का मतलब क्या होता है कि भाई है तो शुद्ध, लेकिन स्मॉल टी बोनेपन के लिए, यानी कि शुद्ध बोना, ओके, क्लियर है।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो शुद्ध लंबा कितना है, एक है, अशुद्ध लंबे दो एंड शुद्ध बोना आपके पास एक है। तो अनुपात क्या निकल कर आया है यहाँ पर बेटा, यहाँ पे जो अनुपात निकल कर आया है वो निकल कर आया है 1:2:1, ठीक है। और ये जो अनुपात है ये हमारा होता है जीनोटाइप अनुपात। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम जीनोटाइप अनुपात क्या होता है ना? तो सबसे पहले चीज ये जान लो कि इसको हमने युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहा था, क्योंकि यहां पे प्रत्येक युग्मक जो था वो अपनी शुद्धतम अवस्था में ही तो था, है ना। शुद्धतम, शुद्ध लंबा है तो शुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा है तो अशुद्ध लंबा है, और शुद्ध बोना है तो शुद्ध बोना ही है। ये जो अनुपात, यानी कि जब हम शुद्ध और अशुद्ध को देखते हैं इस तरीके से, जो अनुपात निकल कर आया हमारे पास, ये हमारा जीनोटाइप अनुपात होता है। यानी कि बेटा जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, जीनोटाइप क्या होते हैं, जीनी संरचना का अध्ययन। ठीक है, किसका, जीनी संरचना का अध्ययन। और ठीक है, जब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट कौन सा होगा, तो यहां पे एक आपसे ये भी पूछा जाएगा कि फीनोटाइप अनुपात क्या है इसका। ठीक है, फीनोटाइप क्या होता है, सबसे पहली चीज इसको लिख लीजिए। ये होता है बेटा बाहरी लक्षणों का अध्ययन। क्लियर है, यानी कि भाई मैंने बोला बेटा कि चार लोग थे, चार लोग जो थे उनमें से मैं, क्या हुआ कि जब वो सामने से आ रहे थे तो मैंने पूछा बेटा ये देखिए बताओ कि वहां पे जो लोग आ रहे हैं उनमें से कौन कैसा है, कितने लंबे कितने बोना। आपने बोला मैम एक बोना है, है ना, लेकिन जो वहां पे है तीन लंबे हैं। मैंने कहा अच्छा तीन लंबे हैं और एक बोना है, आपने बोला हाँ। मैंने बोला लिख दिया यहाँ पे तीन लंबे हैं एक बोना है। तो जब हम बाहरी लक्षणों को देखते हैं, मैंने उसके जीनी संरचना का अध्ययन नहीं किया, मैंने क्या किया सिर्फ बाहर से, यानी कि हमने सिर्फ बाहरी लक्षणों को देखा, हमने बोला तीन लंबे एक बोना। तो इस तरीके का अनुपात जो होता है वो फीनोटाइप होता है। वहीं पे जब हम ये देखते हैं, मैंने कहा बेटा जो तीन लंबे हैं क्या उन तीनों की हाइट बिल्कुल सेम है या कुछ फर्क है, आपने बोला नहीं मैम दो की सेम है, एक की तो बहुत ज्यादा लंबी है। तो जब हमने इस तरीके, यानी कि उनकी बेटा कहने का मतलब कि जब हमने शुद्ध अशुद्ध को देखा, यहां पर हम शुद्ध अशुद्ध को नहीं देखते हैं, हम कहां देखते हैं, हम देखते हैं किसमें, जीनोटाइप अनुपात में। तो जब हमने शुद्ध और अशुद्ध को देखा, इस तरीके का जो अनुपात निकल कर आया ये हमारा अनुपात कहलाया जाता है जीनोटाइप, और वो हमारा फीनोटाइप। देखो कितने, अगर मैं शुद्ध अशुद्ध ना देखूं, लंबे कितने हैं फिर बेटा, दो और एक तीन लंबे हुए एक बोना हुआ, तो ऐसा कौन हुआ अनुपात, फीनोटाइप। अब मैंने बोला बेटा नहीं शुद्ध अशुद्ध देख के बताना है, जीनोटाइप बताना है, तो आपने बोला मैम शुद्ध एक है, अशुद्ध लंबा दो है, अशुद्ध बोना, इस तरीके से आपका जीनोटाइप होता है। ठीक है, ये आपका खत्म हुआ दूसरा नियम। ठीक, तो पहला और दूसरा नियम जो है मेंडल का वो किस पे आधारित है बेटा, ये आधारित है आपका एकल संकर क्रॉस पे, क्योंकि यहां पे जो लिए गए थे वो सिर्फ एक ही जोड़ा लिया गया था। क्लियर है, क्या लिया गया था, सिर्फ एक ही जोड़ा लिया गया था। एंड अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, द्विसंकरण क्रॉस की, तो याद रखिएगा वहां पर आपका कितना, वहां पर आपके दो जोड़े लिए जाएं, किसमें, द्विसंकरण क्रॉस में, यानी कि तीसरे नियम में। और ये अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो, मैं पहली बता रही हूं। सबसे आसान तरीका जो है वो आपका ये वाला रहेगा, अगर आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि इसमें चेकरबोर्ड बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। दूसरे वाले में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से बना लोगे। ऐसे करना है, ऐसे करो। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसके बेटा, यहाँ पे आपका जो तीसरा नियम आता है। दूसरा नियम तक क्लियर है, इसके डेफिनेशन भी देख लीजिए बेटा, आपको कैसे लिखनी है एग्जाम में, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है तीसरा नियम, यानी कि मेंडल का द्विसंकरण, क्यों, क्योंकि यहां पे दो जोड़े लिए गए थे। और मेंडल का तीसरा नियम क्या था बेटा, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यून का नियम। ठीक है, यानी कि तीसरा नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यून का नियम, और किस पर आधारित है, द्विसंकरण क्रॉस पे, क्योंकि दो जोड़े लिए गए थे, कैसे कैसे वो भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे आप जोड़ों को जानोगे, कौन कौन से दो जोड़े, वहां पे हमने क्या किया, एक लंबापन है एक बोनापन है, बट यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इस तरीके से ध्यान से देखना। हाँ जी, गोल कैसा लक्षण है, प्रभावी। मैं पूछूं गोल बीज,
आपका पीले बीज होना, कैसा लक्षण प्रभावी। तो यहाँ पे जो लक्षण लिए गए थे वो लिए गए थे गोल व पीले बीज, झुर्रीदार और हरे बीज। ठीक है, क्या लिए गए थे? गोल व आपका एक लक्षण ये हो गया, ठीक। एक था आपका कौन सा? झुर्रीदार व हरे बीज, क्लियर है। तो वहां पे तो हम सिर्फ एक लक्षण ले रहे थे, इसको आप पता लगा क्यों बोला गया द्विसंकरण क्रॉस? क्योंकि बेटा यहां पे लिए गए थे आपके दो जोड़े। बहुत ध्यान समझेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो जोड़े लक्षण हो गए। पहला गोल व पीले बीज और झुर्रीदार व हरा। गोल और पीले क्या है? उसकी शेप है, उसका आकार है, जबकि आपका पीला और हरा क्या है? रंग है, है ना। तो यहां पे याद रखिएगा, अगर गोल के लिए हम कैपिटल आर को ले रहे हैं यानी कि राउंड, तो सी उसी के स्मॉल के लिए हम किसको लेंगे? जस्ट उसका अपोजिट होगा बेटा। कौन सा वाला हो जाएगा यहां पे? अगर मैंने गोल के लिए क्या लिया, क्या लिया बेटा? बिल्कुल कैपिटल आर। तो स्मॉल के लिए यानी झुर्रीदार, इसी का अपोजिट मैं स्मॉल आर यू चूज करूंगी, ठीक है। पीले रंग के लिए हम क्या ले रहे हैं भाई यहाँ पे? सिंपल सी बात है, अगर हम इसके लिए ले रहे हैं कैपिटल वाई, तो हरे के लिए हम स्मॉल वाई यूज करें। क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्लियर हाँ या ना? अच्छे से क्लियर है, जल्दी से। ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब यहां पे जैसे कि आपने, मैंने बोला था कि स्वतंत्र अपव्यय का नियम जो था, ये तीसरे किस पे आधारित है बेटा? द्विसंकर क्रॉस पे। जैसे ही आपका जो मेंडल का जो बेटा पहला और दूसरा नियम किस पे? एकल संकर क्रॉस पे आधारित था। वहां पे हमने क्या किया था कि भाई वो जो आपका है, हम लोगों ने जब वहां पे किया था तो हमने देखा था F1 F2 आया था, इसमें भी F1 और आपकी F2 पीढ़ी तक जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा वो देख लीजिए। सबसे पहले लक्षण पता लग गए, एक जोड़ी ये थे, एक जोड़ी ये। गोल के लिए हम लेंगे कैपिटल आर, इसी का अपोजिट झुर्रीदार है तो स्मॉल आर। पीला रंग प्रभावी लक्षण है तो कैपिटल वाई, और उसी का अपोजिट हरे बीज है तो वो कैसा है अप्रभावी लक्षण, तो उसी के लिए स्मॉल वाई, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले F1 पीढ़ी की अगर हम बात करें बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है। आप इस तरीके से करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से। इन्होंने प्रभावी वालों को एक तरफ लिख दिया, अप्रभावी को एक तरफ, यानी कि इन्होंने क्या किया है, कैपिटल आर, गोल और पीले बीज, झुर्रीदार और हरे बीज। यहां से जो इन्होंने युग्मक लिए बेटा वो लिए हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से इन्होंने लिए हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही इन्होंने यहां पे किया है, ठीक है। और जब इन्होंने बेटा इस तरीके से क्रॉस कराया तो क्या निकल कर आया? आर वालों को आर के साथ, वाई वालों को वाई के साथ। और ये कैसे निकल कर आया है? ये वाला पार्ट जो निकल कर आया है बेटा, ये निकल कर आया है कुछ इस तरीके से, आर वाई कैपिटल ऊपर लिख दिए है और स्मॉल वाले इस तरफ लिख दिए, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, बेटर रहेगा, ये सबसे आसान तरीका है कि प्रभावी वालों को हमने एक तरफ लिखा, अप्रभावी वालों को हमने एक तरफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्या है? युग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोनों को जब हमने कराया यहाँ पे क्रॉस, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये आ गया। और ये हमारी कौन सी पीढ़ी थी? ये हमारी जो पीढ़ी थी भाई, ये थी बेटा F1 पीढ़ी, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को हम कहाँ लेके जाएंगे? F2 पीढ़ी में। याद है जब हमने किया था कैपिटल टी स्मॉल पहले निकल के आया, फिर उसी को हम F2 में ले गए थे, अब इसको हम F2 में लेके जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारा क्या निकल कर आया है? ये निकल कर आया, ठीक है, ये निकल कर आया। अब इसके हम चार जोड़ी ऐसे लक्षण बनाएंगे जो आपस में ना मिले। जैसे यहाँ पे हम क्या क्या बना सकते हैं, इसी से हम ले सकते हैं भाई। एक बार कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ ले सकते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और किसको ले सकते हैं? कैपिटल आर स्मॉल वाई करा दीजिए बेटा एक बार, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओके, स्मॉल आर की कैपिटल वाई से करा दो एक बार, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार हमारे पास लक्षण आ चुके हैं। अब हम इन्हीं से क्या कराने वाले हैं बेटा? क्रॉस कराने वाले हैं। तो अब हम एक बनाएंगे इस तरीके से बड़ा सा एक चेकर बोर्ड, ठीक है। चलो मैं पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, वरना बनाना नहीं आएगा और कन्फ्यूजन अलग क्रिएट हो जाएगा, तो वो कन्फ्यूजन ना हो उसी के लिए इस तरीके से बनाएंगे आप, है ना। इनको लाइन्स को खींच दीजिए,
ठीक है, थोड़ा सा इनको शिफ्ट कर लेते हैं ताकि और हमें स्पेस मिल जाए। सेम आप इस तरीके से लाइंस खींचेंगे यहां से, क्लियर है? और याद रखिएगा, अभी आप बोलो मैम यहां पे क्यों लिखा है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें तीसरे नियम में ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या करना है कि जो ये चार लक्षण हम लोगों ने लिए थे, इनको हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे ऐसे भी और ऐसे भी। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई था, कैपिटल आर स्मॉल वाई था, स्मॉल आर कैपिटल वाई था, और स्मॉल आर स्मॉल वाई था। ठीक है, इसको थोड़ा ऊंचा लिख दे, ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक, अब जो ऊपर लिखे हैं वही आप यहाँ लिख देंगे साइड में। ठीक, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब कराना है हमें क्रॉस यहाँ पे, तो आ जाइए फटाफट से। सबसे पहले बेटा कैपिटल आर की कैपिटल आर से कराओ, यानी कि दोनों कैपिटल आर, कैपिटल वाई की कैपिटल वाई से। ठीक है, इसकी इन चारों से करानी है, दूसरे वाले की इन चारों से करानी है, तीसरे वाले की इन चारों से करानी है, और चौथे वाले की भी। इस तरीके से हमारा पूरा चेकरबोर्ड भर जाएगा। अब इसकी से कराओ दूसरे वाले से, तो दोनों ही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों ही कैपिटल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट लाइन कंप्लीट, सेकंड पे आ जाएंगे, दोनों ही क्या है कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे कैपिटल आर और दोनों ही स्मॉल वाई हो जाएंगे। नेक्स्ट एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। नेक्स्ट पर आएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों ही स्मॉल वाई। नंबर थर्ड लाइन पे बेटा एक कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट दोनों स्मॉल आर हैं एंड दोनों ही कैपिटल वाई हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर भी दोनों स्मॉल आर हैं और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है। नेक्स्ट पर आ जाइए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई, नेक्स्ट दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो आर आर वालों को एक साथ लिखना है, वाई वाई वालों को एक साथ लिखना है, देन दोनों स्मॉल आर एंड दोनों स्मॉल वाई। ठीक है, बढ़िया, पूरा चेकर बोर्ड ऐसे ही करना था। अब ध्यान से देखेंगे, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस वाले में क्या आता है, आपका दो तरीके से अनुपात निकल कर आया था, एक जीनोटाइप और एक फीनोटाइप। आपको याद रखना है कि जो मेंडल का तीसरा नियम था उसका जीनोटाइप वाला अनुपात आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, मेंडल का मैं वापस बोल रही हूँ, जो आपका तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यून का जो नियम होता है उसका जीनोटाइप अनुपात आपके कोर्स में नहीं है, वो बड़ी क्लासेस में आता है जब आप बेटा बड़ी क्लासेस में जाएंगे। ठीक है, इसका सिर्फ फीनोटाइप अनुपात आपके कोर्स में, यानी कि सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, बाहरी लक्षणों को देखना है कि कौन कैसा है, आपको शुद्ध अशुद्ध इसमें नहीं निकालना है। किस वाले में? इस तीसरे नियम में। ठीक है, वो बड़ी क्लासेस में जाके आता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमें शुद्ध अशुद्ध देख, हमें शुद्ध अशुद्ध तो देखना नहीं है इसमें, सिर्फ ये देखना है कैसे कैसे लक्षण है। तो ये कैसा है? गोल और पीला, यानी कि पहला लक्षण कैसा आया? गोल व पीले बीज। ठीक है, चलिए तो गोल और पीलों को पहले काउंट कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, अलग पेन यहाँ पे चूज कर लेते हैं, बट याद रखिएगा आप एग्जाम में पेंसिल का यूज करें, है ना। तो एग्जाम में हल्की पेंसिल का यूज करना कि जो 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 उनको काट देना उससे आपको आसानी रहेगी, लेकिन अगर आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप ऐसे काउंट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो हम ये, और रेड पेन तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, पेंसिल यूज करना, बाद में रब कर देना काउंट करके। ठीक है, तो ये गोल और पीला एक हो गया, एक ये रहा कैपिटल आर है दोनों। ठीक है, और अगर एक कैपिटल आर स्मॉल आर था तो भी गोल ही होता वो। तो गोल और पीला दो, गोल और पीला एक और तीन, ये भी गोल और पीला है, कैपिटल आर स्मॉल आर गोल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई क्योंकि पीला। ठीक है, गोल और पीले चार,
ये भी गोल और पीला, ये नेक्स्ट है बेटा गोल, क्योंकि क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों कैपिटल आ रहे हैं, गोल है एंड स्मॉल वाई ये हरा, यानी कि गोल और हरे बीज भी हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे एक और लक्षण मिल गया है, गोल व हरे बीज, ठीक है। चलिए तो इसको इससे लिख लेते हैं, ये गोल और हरा हमारे पास एक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, गोल और पीला मिला है छः हो गए, गोल और हरा ये भी दो हो गए हैं, इसको दो कर लो, है ना, इसीलिए ताकि ये आपको आसानी रहे एग्जाम में। आप ऐसे ही लिखेंगे एक एक लक्षणों को, पहले लिखते चले जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये सिर्फ मैं आपके लिए कर रही हूँ बेटा, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ वहाँ पे रेशो जो आने वाला 9:3:3:1, आपको समझ आना चाहिए आखिर आया कैसे है, ठीक है। तो एग्जाम में आप पेन से नहीं लिखेंगे ऐसे नंबर, आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट गोल और पीला ही है, तो भाई ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया है 7, नेक्स्ट गोल और पीला 8, ये क्या है झुर्रीदार और पीला, एक और नया लक्षण निकल कर आया है, इसको लिख लो 1 एंड लिख लो यहाँ पे आपका झुर्रीदार और पीला, ठीक है। चलिए फिर क्या है, झुर्रीदार और पीला ही है, ये भी दो हो गए, ठीक। कैपिटल आर स्मॉल आर गोल है, यानी कि पीला गोल और पीले 9 हो गए, गोल और हरा 3 हो गए, ठीक, झुर्रीदार और पीला ये भी 3 हो गए, एंड लास्ट बचा झुर्रीदार और हरा, ये एक नया लक्षण है तो लिख लीजिए। ठीक है, झुर्रीदार व हरे बीज, क्लियर है। चलिए तो अब यहीं पर ये चार लक्षण हमें मिले हैं। अब गोल और पीले कितने थे बेटा, 9, गोल व हरे, ये रहे गोल और हरे, हरे क्या है वाई वाले, है ना, तो ये कितने हैं बेटा 3, झुर्रीदार व पीले कितने हैं 1, 2, 3, ठीक है, झुर्रीदार और पीले कितने हैं बेटा आपके पास 3 निकल कर आए, एंड झुर्रीदार व हरा ये आपका केला ही था 1, तो यहाँ पे निकल कर आया आपके पास 1, ठीक है। तो क्या अनुपात बेटा यहाँ पर आया, 9:3:1, और ये क्या है बेटा, फीनोटाइप अनुपात, ठीक है, क्योंकि जीनोटाइप आपके कोर्स में नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध को नहीं देखा है, ठीक है। तो ये था मेंडल का तीसरा नियम, एंड याद रखिएगा बेटा ये आपको तीसरा नियम तब क्लियर होगा, यानी कि सारे तीनों के तीनों नियम ही तब क्लियर होंगे जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो मेंडल ने दिए थे बेटा 3 नियम, पहला और दूसरा नियम एकल संकर क्रॉस पे आधारित है, तीसरा नियम जो है वो द्विसंकर क्रॉस पे आधारित है, पूरा क्रॉस करके दिखाया कैसे हैं। वापस बता दूं इनके अनुपात बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ इसमें कैसे पौधे प्राप्त हुए, क्या अनुपात रहा था, किस नियम पर आधारित है, कौन सा नियम है, ये सब चीज़ पूछ जाते हैं। ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, उसके अनुपात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आए हैं, क्लास में बहुत मज़ा आया है, एंड लग रहा है कि वापस पढ़ना है, एक बार वीडियो को वापस देखना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेकर आने हैं। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।